एवरीवन, मैं मयंक पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर कोर्सेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स जो मेरा चल रहा है उसमें मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं। मेरी लास्ट वीडियो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पर थी और आज का जो मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सी, आज हम देखेंगे सी का परिचय। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी, हम समझते हैं सी का परिचय, सी के बारे में हम जान लेते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे कि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसे मिड लैंग्वेज भी कहा जाता है बिकॉज जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज तथा लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को प्रोवाइड करता है। ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर में किया गया प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में हम आसानी से चला सकते हैं। इसका जो यूज किया गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए किया गया। इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इसमें यदि कोई भी त्रुटि आती है तो उसमें हम आसानी से उसका सुधार कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है बिकॉज अगर आपको सी लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से पढ़ सकते हैं और उस पर आप वर्क कर सकते हैं बिकॉज सी लैंग्वेज का यूज हर प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। तो हम समझेंगे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एक इसमें लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को हम आज समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि मेरा ये क्लास है बिगनर्स के लिए, स्पेशली मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है जिसे हम मानते हैं कि आपको कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है। तो मेरा ये जो क्लास है, क्योंकि मेरा पहले का कमिटमेंट है कि मैं जो भी कोर्स आपको प्रोवाइड करूंगा वो कंप्लीटली मैं डीपली आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लैंग्वेज, हालांकि आप लोग जान रहे होंगे लैंग्वेज क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषा सबसे पहले जानना जरूरी होता है। भाषा क्या है, क्योंकि हमें कंप्यूटर की भाषा पढ़नी है तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि भाषा क्या है। हम देखते हैं व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। भाषा को आप ऐसे समझें कि जैसे दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं, पूरे संसार में देखा जाए तो कम्युनिकेशन ही मेन स्किल है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं और जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं, जिस भाषा में हम शेयर करते हैं। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसे हम लैंग्वेज कह सकते हैं। अपने थॉट्स, जो व्यक्ति के माइंड में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं और उस थॉट को हम जो व्यक्त करने का जो मेरा माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं। एक सरल भाषा में आप समझें, जैसे आपके दिमाग में कोई थॉट्स आई और उसको आपने लिखा तो जिस भाषा में लिखा उसे आपकी एक जनरल लैंग्वेज मानी जाती है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़, इस तरह से बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो आपका एक जनरल लैंग्वेज होगा। जैसे हमारी जनरल लैंग्वेज हिंदी है, जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। आप कोई कमेंट प्रेषित करेंगे, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहेंगे तो आप मेरे से कम्युनिकेट होंगे। तो जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान का जो माध्यम है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसी तरीके से हम समझेंगे व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा क्या है, कंप्यूटर की भाषा क्या है। जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लासेस स्टार्ट किया मैंने, तो हम सबसे पहले जाने कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या। कंप्यूटर लैंग्वेज को सरल भाषा में समझें तो कंप्यूटर लैंग्वेज अ सेट ऑफ प्रोग्राम या एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम है जिसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं वो मेन तीन है। फर्स्ट है आपका लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज भी इसे हम कहते हैं, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी जो जीरो और वन की डिजिट होती है।
जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, बिकॉज मशीन इसको डायरेक्टली समझता है। सेकेंड है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो ये तीन भाषाएं हैं मेन, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आपका बाइनरी नंबर हो गया, जीरो और वन की डिजिट है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में सी है, सी प्लस प्लस है, ओरेकल है, पाइथन है। इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज जो है आपका, उसे हम नेमोनिक्स भाषाएं बोलते हैं, सिंबॉलिक होता है। देखते हैं नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों, कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत क्यों है हमें। जैसे मैंने बताया कि हम कम्युनिकेट करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, इंफॉर्मेशन को जिसमें हम शेयर करते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं, एक जनरल लैंग्वेज है। इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करना या कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। क्यों इसकी आवश्यकता है, बिकॉज मैंने भी आपको बताया कि कंप्यूटर में तीन भाषाएं होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो आपकी एक मशीनरी भाषा है जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं, जो जीरो और वन की डिजिट में होता है, जिसमें जीरो वन की डिजिट में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना या कुछ भी देना आसान नहीं होता, ये बहुत ही टफ होता है। और कंप्यूटर में हम जो प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद लेते हैं, उसमें हम कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश भाषा में प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें कंपाइलर के माध्यम से उस इंग्लिश भाषा को या इंग्लिश में लिखे गए प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है, और वो कन्वर्ट करता है मशीनरी भाषा में, और कंप्यूटर उस मशीनरी भाषा को पढ़ता है, इंस्ट्रक्शंस इनपुट होता है कंप्यूटर में, और फिर बदले में आउटपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, कंप्यूटर की भाषा की आवश्यकता होती है। इसको आप देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है और वो कुछ भी कम्युनिकेशन करना चाहता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट होना चाहता है, किसी मशीन से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, मशीन से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, जब हमें एक लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हो या एक बड़ी क्वांटिटी में रिजल्ट हमें प्राप्त करना है, तो हम कंप्यूटर और किसी मशीन की मदद लेते हैं। हम मशीन जो होता है वो हमारे काम को बहुत ही स्पीड से, बहुत कम समय में और त्रुटि रहित करता है, इसके लिए मशीन की आवश्यकता होती है। मशीन आ जाने से व्यक्ति का काम बहुत ही आसान हो गया है, और आज का जो ऐसा युग है जिसमें मशीनें मशीनों को चलाती हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की आवश्यकता क्यों है इसको हम समझेंगे। जैसे सी लैंग्वेज है, हमें सी लैंग्वेज का ज्ञान है, मान हम कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं सी लैंग्वेज में या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ना है तो किसी एक लैंग्वेज में का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, किसी एक लैंग्वेज में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, फिर आगे का आप कोई भी प्रोग्रामिंग आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे सी लैंग्वेज में मैंने कोई सोर्स कोड लिखा, एक प्रोग्राम दिया हमने, एक प्रोग्राम ने रिटर्न किया, एक प्रोग्राम लिखा, और ये जो प्रोग्राम लिखा गया, जो फॉर्मेट तैयार किया गया, जो सोर्स कोड किया गया, वो इंग्लिश में, और यदि हम इंग्लिश में डायरेक्टली यही चीज कंप्यूटर को दिया जाएगा तो कंप्यूटर में एरर रिपोर्ट आ जाएगा, प्रोग्राम आपका जो दिया गया सोर्स कोड है उसको वो एरर बता देगा, बिकॉज डायरेक्टली ये हम नहीं दे सकते हैं, तो हमें किसी न किसी एक कन्वर्टर की, एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। ये जो सोर्स कोड है ये इंग्लिश में लिखा गया सोर्स कोड है, जिसको ट्रांसलेटर जो होगा, जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। जैसे तीन भाषाएं हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट कंप्यूटर समझ जाता है, बट हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिसे हम कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर कहते हैं। तो ये जो लिखा गया सोर्स कोड है उसे कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। तो डायरेक्टली ये कोड हम ना प्रोवाइड करके इसे हम प्रोवाइड करते हैं किसमें, कंपाइलर में, कंपाइलर को प्रेषित करते हैं, और कंपाइलर इस कोड को चेंज करता है मशीन भाषा में।
इस तरह से मशीन लैंग्वेज में इस लिखे गए सोर्स कोड को मशीन में कन्वर्ट करता है और ये मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है। ये निर्देश इंस्ट्रक्शंस इनपुट हो जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और कंप्यूटर सिस्टम आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ये प्रोसेस होता है जिसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत होती है। कहने का मतलब हम अपनी बात को कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं समझा सकते हैं बिकॉज कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शंस इन किए जाते हैं वो जो सेट ऑफ प्रोग्राम दिया जाता है कंप्यूटर को वो मशीन लैंग्वेज में प्रोवाइड होता है। उसके लिए कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत होती है, एप्लीकेशंस की आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और वह सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट किया जाता है और उसके लिए हमें एक किसी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी होता है। हमें किसी एक लैंग्वेज में परफेक्ट होना पड़ेगा फिर हम आगे किसी भी लैंग्वेजेस को या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को हम पढ़ पाएंगे या उस पर वर्क कर पाएंगे। तो जैसे हमने बताया इसमें कि जैसे सी लैंग्वेज मान लीजिए हमें आ रहा है और सी लैंग्वेज में मैंने कोई भी सोर्स कोड राइट किया, कोई सोर्स कोड लिखा और उसको डायरेक्ट अगर हम कंप्यूटर को देते तो कंप्यूटर में एरर आ जाता क्योंकि डायरेक्ट वो जो लिखा गया सोर्स कोड है वो इंग्लिश में लिखा गया और इंग्लिश को डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होते हैं। फिर ये सोर्स कोड कंपाइलर को प्रेषित होता है, कंपाइलर बीच में वो गाइड की तरह से वर्क करता है, एक ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में लिखे गए सोर्स कोड को ये मशीन में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में उसको परिवर्तित कर देता है। तो कंपाइलर को प्रेषित किया जाता है ये सोर्स कोड और वो उसको मशीन भाषा में प्रेषित कर देता है। यही इंग्लिश सोर्स कोड यहां मशीन लैंग्वेज में आ गया और ये मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में इनपुट कर दिया गया, जिन निर्देशों को कंप्यूटर पढ़ के उसका एक उचित रिजल्ट तैयार करता है, इंफॉर्मेशन आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की आवश्यकता हमें क्यों होती है इस फिगर के माध्यम से आपके समझ में आया होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।